फ्रेंड्स, ये रक्सौल सीतामढ़ी विद्युतीकरण अपडेट है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 14 जुलाई का वीडियो है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये साइड से जो फाइनली इसका काम तो लग रहा है चालू हो गया है, क्योंकि देखिए साइड से पेड़ काट के हटा दिया गया। इसी से मुझे पता चला, देख सकते हैं आप, तार ना सटे 25,000 वोल्ट का पेड़ों में, इसलिए पेड़ काट के साइड का जितना पेड़ सट रहा है वो सब हटा दिया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जितना पेड़ सट रहा है आपको साइड में, देखिए यही पेड़ है, इस साइड से जितना पेड़ पड़ता है, पेड़ पौधे पड़ रहे हैं जो 25,000 वोल्ट के रेंज में आते हैं, मतलब सटते हैं, तो इस सारे पेड़ को काट दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वायर लगाया जाएगा इसीलिए, और इसमें फिर आज न कल तो करंट देना ही है, इसलिए फाइनली पहले पेड़ को काट के हटा दिया जा रहा है। देख ही सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स, आप ये कम से कम 5-6 दिन पहले काट के हटाया गया है, क्योंकि पेड़ सूख चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये पेड़ काट के हटा दिया गया। रक्सौल सीतामढ़ी विद्युतीकरण अपडेट है। ये देख सकते हैं आप, देखिए फ्रेंड्स, ये अभी वैसे तो अभी कुछ काम नहीं हुआ, आपको दिख ही गया होगा, वही वायर स्टिक लगा और हुआ आगे कपड़ोल गुमती से थोड़ा आगे वायर लगाया, और उधर भी आपको पुल तपस्वीनाथ ब्रिज से उधर वायर लगाया, उसके आगे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये पेड़ काट के हटाया गया है। लगता है कि कुछ दिन में फिर इसका काम चालू कर दे सीतामढ़ी जंक्शन की तरफ से।